दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस है और इस मौके पर औरंगाबाद में भी नशा विमुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर से कई जागरूकता रथों को रवाना किया गया। नशा मुक्ति केंद्र के प्रभारी चिकित्सक तथा उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इन रथों को जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। ये रथ जिले के सभी पंचायतों में जाएगी और नशा से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताकर उन्हें जागरूक करेगा, साथ ही नशा नहीं करने के प्रति लोगों को प्रेरित भी करेगा। देखिए, आज जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसमें ड्रग्स का जो अब्यूज हो रहा है, दुरुपयोग जो हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए अभी हम लोग ये रैली निकालेंगे और सेंसिटाइज करेंगे समाज को कि ये सब नशा थोड़े लोग कम करें। औरंगाबाद के हसपुरा स्थित डिंगर हाई स्कूल के पास पेड़ के नीचे से पुलिस ने एक अधेड़ का शव बरामद किया है। शव की पहचान अरवल जिले के चौहर निवासी गरीबन दास के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक अपने रिश्तेदार से मिलने हसपुरा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव आ रहे थे। हालांकि अधेड़ की मौत कैसे हुई, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। ये हमारे भाई के ससुर हैं, चौहर के रहने वाले हैं, रतनपुर हमारे भाई के यहाँ आ रहे थे। तो उसी बीच में डिंडर हाई स्कूल एक पेड़ के नीचे उनको वो हो गया, आराम किए, आराम करने के बाद उनको प्राण निकल गया। माँ विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहाँ आप पाएंगे SD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी, अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ TV देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। औरंगाबाद के रफीगंज में बस की चपेट में आ जाने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी करते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। सड़क जाम की सूचना पाकर रफीगंज थानाध्यक्ष तथा रफीगंज के BDO रितेश कुमार मौके पर पहुंचे और आक्रोशितों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। इसके बाद BDO ने जब मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए के मुआवजा राशि का चेक मृतक के परिजनों को दिया, तब जाकर सड़क जाम हट सका। ये रोड एक्सीडेंट की घटना हुई, जो सुबह के समय में बस के द्वारा इस घटना को रोड एक्सीडेंट किया गया और तत्काल रूप से पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच गया
और सभी लोगों की उपस्थिति में जो उनको मुआवजा की राशि थी वो भी उपलब्ध कराई गई और आपसी सहयोग और लोगों के सहयोग के बल पर यहाँ से सारी चीजों को संपादित किया गया। तो मुआवजा पे कितना दिया गया? 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ दिया गया। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित रत्नुआ गांव में बंगाल के आसनसोल से आए आर्केस्ट्रा कलाकारों के साथ आज सुबह सामाजिक तत्वों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। असामाजिक तत्वों ने इस दौरान महिला कलाकारों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी अपना निशाना बनाया। अचानक हुए इस हमले में कलाकारों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। इस घटना में 4 महिला समेत 7 कलाकार घायल हो गए हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घायलों में से की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावरों का आतंक का खौफ इस तरह था कि एक भी ग्रामीण उनके आगे चू तक नहीं कर सके। गौरतलब है कि एक शादी समारोह में ये कार्यक्रम चल रहा था जिसमें बंगाल के विभिन्न हिस्सों से कलाकारों को यहाँ लाया गया था। कार्यक्रम काफी अच्छे तरीके से चल रहा था, इसी बीच एक गाड़ी से कुछ लोग आए और बिना किसी बात के बदतमीजी करते हुए मारपीट करने लगे और सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कलाकारों ने इसकी लिखित सूचना मुफस्सिल थाना को दी है और उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। कान में का, नाक में का और एक बैग और वो सेंगी उड़ी थी। सर पैसे वगैरह भी गायब हुए? हाँ, पैसे भी कम से कम 25-30 हज़ार के आसपास। क्या आप लोग थाने में कंप्लेन वगैरह की? FIR की है। हमला दरअसल है कि रतनवा के पास अभय सिंह बोल करके हैं, उनके लड़की की शादी थी, इसमें ऑर्केस्ट्रा बुक हुआ था। हमें ऑर्गेनाइजर ऑर्केस्ट्रा के हैं, बंगाल के सब कलाकार को लेकर आए थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं थी। समापन के समय अचानक से मैंने बाहर कच्चे के कुछ लोग आए और कलाकारों के साथ मारपीट चालू कर दिए। कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों मार रहे हैं, झंडा से मारने लगे, कुर्सी से मारने लगे और ये लोग जब अपना जान बचा के भागने लगा तो दौड़ा दौड़ा के मारे। यहाँ तक कि जिनके क्या साझे जिनके गए थे उनके दरवाजे तक पहुँचे तो वहाँ तक वो लोग पहुँचा, लड़ाई झगड़ा वहाँ उनके लेडीज लोग को भी मारपीट किया। इसकी सूचना हम लोग थाना में भी दिए हैं, जो हॉस्पिटल में तो हैं, इलाज करवाई है। कुल 6 से 7 लोग आए हैं जिसमें 3 जेंट्स है, इसका सर पटा है, इंजरी है और 4 लेडीज़ है, उनको भी बहुत जोर से चोट लगा है। उनका भी हाथ पैर में बहुत चोट लगा है, ब्लड भी बहुत आया है। ठीक है, शीशे तोड़े गए, हम लोग भाड़ा गाड़ी करके जो आए थे जिसका आगे पीछे दाएं बाएं का पूरा शीशा जो है तोड़ दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।